तो हाल ही के दिनों में कंगना रनौत अपने कुछ बयानों की वजह से काफ़ी चर्चा में हैं। कभी वे कहती हैं कि वे गल गडोट जैसी एक्शन करती हैं, तो कभी कहती हैं कि वे टॉम क्रूज से भी बेहतर एक्शन कर सकती हैं। अब कंगना के ऐसे बयानों पर सोशल मीडिया पर उनका जमकर मजाक उड़ाया गया और कई सारे मीम्स भी बने। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कंगना टॉम क्रूज से बेहतर एक्शन करती हैं और उनसे भी अच्छे स्टंट्स करती हैं। तो अभी तक मेरे ख्याल से कंगना ने मात्र दो फिल्मों में एक्शन किया है, एक क्रिश 3 और एक मणिकर्णिका। और रही बात टॉम क्रूज की, तो वो तो बस एक छोटे मोटे एक्शन हीरो हैं। मणिकर्णिका मूवी का ये बिहाइंड द सीन देखिए, जहां कंगना घुड़सवारी करती दिख रही हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसे स्टंट्स करना बहुत ही मुश्किल होता है, और मेले में छोटे बच्चों को तो आप ऐसी घुड़सवारी करते कभी नहीं देखे होंगे। British horse. अब देखिए टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल का ये बिहाइंड द सीन, जहां टॉम क्रूज दुनिया के सबसे बड़े बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पे एक रस्सी से लटक कर स्टंट कर रहे हैं। अब हमारी कंगना मैम तो ऐसे स्टंट्स यूं ही कर देंगी। मुझे तो लगता है कि वो ऐसे स्टंट्स बिना केबल के भी कर लेंगे। अब देखिए टॉम क्रूज का एक और बिहाइंड द सीन, जहां ये स्टंट करते वक्त उनकी एक पैर की हड्डी टूट गई थी। अगर यही हमारी कंगना मैम करती तो वो बिना पैर की हड्डी तोड़े ही ये स्टंट कंप्लीट कर लेती। अब ये स्टंट देखिए, जहां टॉम को अपनी बाइक खाई में कुदानी होती है और वो ये स्टंट खुद से करते हैं बिना किसी स्टंट डबल के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि कौन है सबसे बेस्ट एक्शन हीरो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।